हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोगों को देखना है आरएमएस स्पीड क्या होती है। लेकिन इसके पहले का जो डेरिवेशन मैंने जो डाला, किसका बेटा? प्रेशर एग्जर्टेड बाय आइडियल गैस, मतलब प्रेशर कितना एग्जर्ट करता है ना अब आइडियल गैस, वो निकालना था। उसका फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आज कुछ ही पल्ले नहीं पड़ने वाला। 2-3 मिनट का इक्वेशन से याद, लेकिन सवाल होता है न्यूमेरिकल के ऊपर या डेरिवेशन 2 मार्क के लिए होता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, आरएमएस स्पीड के लिए प्रेशर एग्जर्टेड जो गैस होता है 1/3 यहाँ पे एन बाय वी, यहाँ पे आप लोगों को एम वी स्क्वायर। देखो ध्यान रखिएगा, ये वी वॉल्यूम के लिए, ये वी आरएमएस स्पीड है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करना। ये आरएमएस स्पीड निकालनी है, ये वी मतलब एवरेज स्क्वायर बोल सकते। चलिए बहुत बढ़िया बात है सर। तो देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, मुझे अगर यहां पे वी स्क्वायर निकालना है एवरेज वाला, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3PV होगा। देखो 3PV, ये एन और ये एम बचा था यहां पे, सही यार? ओके, कोई टेंशन है। लेकिन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन मैंने पढ़ाया है फर्स्ट वीडियो के अंदर ही, याद है ना? बॉयल्स लॉ, चार्ज लॉ, गेल लॉ, ये लॉस पढ़ाए थे मैंने। चलो डाल देते हैं सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV के जगह पे एन आर टी डिवाइड बाय एन एम। एन इज द नंबर ऑफ मोल है बेटा, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, एन इज द, पता ना आप लोगों को? चलो, लेकिन स्मॉल एन क्या होता है? मास ऑफ द गैस, हमने देखा होगा यहाँ पे एन डिवाइड बाय एन ए होता है, क्या है ना? यस, यही होता है। ओके तो चलो यार, वी स्क्वायर, ये थोड़ा सा पहले आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर से आई वाली चीजें बता रहा हूं मैं। तो वी स्क्वायर यहाँ पे 3, ये आर टी एज इट इज रखेंगे, ये एन और एम भी एज इट इज रखेंगे, ये स्मॉल एन की वैल्यू एन डिवाइडेड बाय एन ए लिखेंगे। एन ए कौन है? अवोगाड्रो नंबर, ये पता है ना आपको, एन इज द अवोगाड्रो। लेकिन एन एन मर गया, तो यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा बचा है 3 आर टी डिवाइडेड बाय यहाँ पे एन ए इंटू एम, सही है? यही है ना? हाँ, तो लेकिन एन ए इंटू एम कौन है? यहाँ पे हम लोगों को मोलार मास होता है, ये बेस है बेटा, ठीक है ना? तो एम ओ है ना, जो एन ए इंटू एम है, तो वी स्क्वायर यहाँ पे 3 आर टी डिवाइड बाय एम। ये पता होना चाहिए मोलार मास किसको बोलते हैं, ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए कि यार ऑक्सीजन का कितना, हाइड्रोजन का 32 किसका होता है, 8 किसका होता है, 4 किसका, ये पता होना चाहिए, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। तो यार इसकी स्क्वेरिंग स्क्वेयर रूट दोनों साइड से करते, क्या फर्क पड़ा? दोनों साइड से स्क्वेयर रूट करता हूं, या ऐसे भी बोलो यार इसका स्क्वेयर क्या, तो ये रूट में आता है, एक ही बात है। तो ये वी जो है बेटा वो आरएमएस स्पीड है, देखो ना स्क्वेयर रूट ऑफ, मैंने स्क्वेयर क्यों कर रहा हूं पता है ना आप लोगों को? तो ये आरएमएस होगा, रूट मीन स्क्वायर है, देखो रूट में है, मीन स्क्वायर है बेटा, ये है ना? तो ये मुझे मिल रहा है 3 आर टी डिवाइडेड बाय एम नॉट। तो ये याद रखना बेटा, ये इक्वेशन आपके लिए, सवाल एमसीक्यूज के ऊपर होता है, क्या आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका जवाब होता है, ठीक है? आपको दे देंगे, तो ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बताया कि यार अगर आपका टेम्परेचर 300 केल्विन हो तो ऑक्सीजन का स्पीड क्या होगा, मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की आरएमएस जो स्पीड है ना ये 517 दी वाली है मीटर प्रति सेकंड, सही यार? जो ऑक्सीजन की जो स्पीड है वो 517 दी वाली है, आप लोग देख लेना। किसकी है? सॉरी, नाइट्रोजन की, ये नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए बेटा? ये नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड कितनी है? 400, ये है ना 483 है मेरे ख्याल से, देख लेना आपकी बुक्स में होगी तो 83, ठीक है? ये आपको स्पीड दी वाली, सिंपल सवाल है, 2 मार्क के लिए सवाल आएगा, एमसीक्यू जा सकता है न्यूमेरिकल, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, निकालनी तो मैं बाजू में हट रहा हूं, और आगे ऐसे ही लेक्चर मिलते रहेंगे यार। शेयर करो, लेकिन शेयर होना बहुत जरूरी है, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।